अधेड़ का शव खेत में पड़ा मिला, चाकुओं से गोदकर हत्या करना बताया जा रहा है। मैनपुरी थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ललूपुर में बीडीसी पद के लिए वोट मांगने निकले प्रत्याशी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई, जिसका शव गांव के खेत में पड़ा मिला। पूरा मामला ग्राम ललूपुर निवासी खाद विक्रेता 60 वर्षीय राकेश राजपूत पुत्र भारत सिंह गाँव के ही बाढ़ से बीडीसी पद का चुनाव लड़ रहा है। बुधवार की शाम वह बीडीसी के पद के लिए वोट मांगने के लिए घर से निकला। वह जब देर रात भर वापस नहीं आया तो परिजनों को चिंता हुई। रात भर उनकी तलाश की गई लेकिन कोई पता नहीं चला। शुक्रवार को गांव के ही सद्देश राजपूत के खेत में उसका चाकू से गुदा हुआ शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अविनाश कुमार पांडे, एएसपी मधुबन कुमार, सीओ सिटी अभय नारायण राय पुलिस बल के साथ पहुँच गए। परिजनों से जानकारी लेने के बाद पुलिस ने शव कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस पुत्र भारत सिंह, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के करीब है, इनकी डेड बॉडी मिली है ग्राम लल्लूपुर के जस्ट पास के जो बगल के लगे हुए खेत हैं और उनसे घरों की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये सूचना सुबह प्राप्त हुई थाना कोतवाली पर। तत्काल सभी उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस की जो टीम है उन सभी को वहाँ पर दिखा दिया गया है। जो उनके परिजन हैं, पुत्र हैं, भाई हैं, उन सभी से वार्ता कर ली गई है और जो भी संभव विधिक कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। इसमें कुछ क्लूज जो सामने आ रहे हैं उन पर भी टीम लगा दी गई है। 4 टीमों का गठन कर दिया गया है और शीघ्र इसका अनावरण किया जाएगा। सर, जिस जगह बॉडी मिली है क्या अंदेशा जताया जा रहा है वहीं उस व्यक्ति की हत्या की गई या कहीं से हत्या करके लाया गया वहां डाला? प्रथम दृष्टया जो फॉरेंसिक टीम और हम लोगों के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया उससे ये लग रहा है कि वहीं पर बॉडी जो है वहीं पर हत्या की गई, वहीं पर बॉडी को डाला गया है। और अन्य कोई यदि बात आती है सामने तो उसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अभी डॉग स्क्वाड और जो हमारे क्षेत्राधिकारी नगर हैं वो मौके पर ही हैं। अन्य चीज़ें जो भी सामने आएंगी हम आपको अपडेट करते हैं। सर, राकेश बीडीसी का चुनाव भी लड़ रहे थे? हाँ, ऐसी बात सामने आई है कि ये बीडीसी का चुनाव भी लड़ रहे थे। इनके अभी इनके पुत्र से बात हुई तो चूँकि बीडीसी का चुनाव ऐसा कोई बहुत संवेदनशील चुनाव नहीं माना जाता है और इनके पुत्र का भी कहना है कि कोई बहुत ऐसा चुनाव को लेकर या अन्य कोई विवाद नहीं, सभी संबंधित जो प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत की जा रही है। परंतु इनके पुत्र और इनके भाई से भी डिटेल वार्ता हुई है। उनका कहना है कि इस प्रकार का कोई भी विवाद हमारा किसी से नहीं था।